अभिषेक कुमार एलिमिनेटेड फ्रॉम बिग बॉस हाउस। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक कुमार हो चुके हैं एलिमिनेट ड्यू टू फिजिकल वायलेंस विद समर्थ जुरेल। जहाँ अभिषेक कुमार ने थप्पड़ मारा था समर्थ को, उसी के चलते उनको एलिमिनेट कर दिया गया है, वो भी कैप्टन अंकिता के द्वारा। मोहल्ले के चौक में सबको एकत्रित किया गया था और सबसे राय मांगी गई थी। एंड में कैप्टन अंकिता का डिसीजन था कि उनको रखा जाए या नहीं, लेकिन अंकिता का डिसीजन ये था कि उनको नहीं रखना चाहिए और बहुत ही ज्यादा गलत डिसीजन था। अभिषेक कुमार डिजर्व करते थे ये शो में रहना। कोई एक बंदा जो बहुत ज्यादा डिजर्व करता था वो है अभिषेक कुमार। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक कुमार बहुत ज्यादा डिजर्विंग थे इस शो में रहने के लिए, और इवन खुद बिग बॉस भी चाहते थे कि वो शो में रहें, इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट डिसीजन नहीं लिया। उनको लगा था कि अंकिता उनको नहीं निकालेंगी, लेकिन अंकिता ने अभिषेक को निकाल दिया। इस बार कैप्टनसी बहुत ही ज्यादा ओवर पार कर दी गई है, और इसी के साथ अभिषेक कुमार को निकाला जाता है बिग बॉस 17 से। शायद से उनको नेक्स्ट वीकेंड के वार पे सलमान खान के द्वारा बुलाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि उनको फिजिकल वायलेंस के चलते निकाला गया है, उसके चांसेस कम लग रहे हैं। बिग बॉस 17 में अगर कोई जान फूक रहा था तो वो अभिषेक कुमार ही थे कहीं ना कहीं। जहाँ वो अपने दोस्त मुनावर के लिए कहीं भी स्टैंड लेने आ जाते थे, उनकी दोस्ती जेन्युइन थी और बंदा जेन्युइन था। उनसे गलती हुई और उन्होंने माफी भी बहुत मांगी। बाहर बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज के द्वारा उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, जहाँ समर्थ और ईशा को गलत बताया गया है। अभिषेक की गलती थी, लेकिन समर्थ की भी उतनी ही गलती थी या उससे ज्यादा। उनको मेंटली टॉर्चर किया गया था। बिग बॉस को उनको एलिमिनेट नहीं करना चाहिए था। #BringBackAbhishek ये हैशटैग चलाओ और ट्विटर पे ट्रेंड कराओ, और कमेंट में भी लिखना मत भूलिएगा, जिससे कि मेकर्स को पता चले कि अभिषेक को लोग बाहर कितना प्यार करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।